हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग हो रहा है ना यार, वो कसम से ऐसा हो रहा है ना, क्या बताऊँ आपको। वो क्यों बोल रही हूँ मैं आपको ऐसा, क्योंकि मेरी स्कूटी हो गई है ख़राब। उसमें पता नहीं कुछ बैटरी प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। उसमें बार बार किक मार के थक गए भाई। कहीं पर सामान रखो, कहीं पर लो और किक मारते रहो, मम्मी को बैठाओ किक मारते रहो, है तो मतलब बेइज्जती कर देती यार स्कूटी अब जगह जगह। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हम ना आज जाएंगे स्कूटी थोड़ा ठीक कर पाएंगे। तो बगल में एक स्कूटी वाले भैया रहते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन उनकी सर्विसिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छी करते हैं। तो पहले वहाँ जाएंगे और उनको पूछेंगे भाई इसमें बैटरी प्रॉब्लम है तो कैसा कैसा है, क्या करना पड़ेगा। तो चलो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में, तो चलते हैं आगे। और अभी मैं सीधे स्टार्ट कर रही हूँ जो ब्लॉग है, नहा धो के रेडी होकर कर रही हूँ, क्योंकि अभी सीधे हम जाएंगे, बस बाल बनाना बाकी है। वैसे तो बाल का स्टाइल मेरा यही रहता है, क्योंकि मुझे यही पसंद है। गर्मी में वैसे भी ना मेरे से खुले बाल रखे जाते हैं और ना ही मेरे से पोनी रखी जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे आगे और बने रहना मेरे इस ब्लॉग में, क्योंकि देखेंगे ना हम स्कूटी में क्या क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं दुकान में। और दुकान से मेरे को स्कूटी लेके जानी है। आपको पता है स्कूटी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मम्मी ने बोला ठीक करा ले उनसे, क्योंकि स्कूटी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है मेरा काम के लिए। तो मम्मी और मैं चली हूँ। मम्मी हेलो हाय तो बोल दो मेरे और मेरे दोस्तों को। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बोलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरी मम्मी तो बस ऐसे बोल दिया दोस्तों कैसे हो। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे। तो पूजा भी मैंने कर ली है और आपको दिखाई भी अभी पूजा करते हुए। देखो टीका भी मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे टीका लगाना सच में अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं दुकान में, थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, कुछ भी खा लेंगे, रोटी राटी जो भी मिलेगी खा के, और फिर से चलते हैं, स्कूटी उठाते हैं और स्कूटी लेके चलते हैं भैया के पास, और देखते हैं स्कूटी में क्या काम है और कितना पैसा लगेगा। ठीक है, क्या लगता है मतलब? तो चलो सर, बाय बाय। तो भाई अभी भैया डाल रहे हैं इसमें ऑयल। इन्होंने बोला पहले आप मेरे अपने सामने ऑयल डलवा लो और उसके बाद हम सर्विस करने भेज देंगे। तो मिलेगी शाम को 6 बजे, तो देखते हैं फिर। तो दोस्तों हमने तो स्कूटी दे दी है सर्विस के लिए और हम चलते हैं घर की तरफ पैदल पैदल। ठीक है, तो ये देखो भाई यहाँ से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पैदल पार करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पैदल क्या पार तो करना ही है दोस्तों। अब यहाँ पर हम खड़े हैं, धूप देख रहे हो कितनी तेज़ हो रही है, धूप भी ख़तरनाक हो रही है यार कसम से। ओ भाई दोस्तों ये देखो बारिश, देख रहे हो बारिश है, मतलब ये बारिश हो रही है, क्या हो रहा है ये, चम 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 बारिश ही लग रही है मुझे तो। अरे बारिश ही हो रही है दोस्तों, और इतनी कड़क धूप में बारिश मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि ना हवा चली ना कुछ पता चला, ना छोटी छोटी हल्की फुल्की बूंदें थी, इतनी मोटी बारिश। और ये देखो आप रोड देख ही रहे होंगे, पूरी भीग चुकी है, भीग चुकी क्या है, भीग ही रही है। देखो ऐसा लग रहा है छत से कोई पानी डाल रहा है ऊपर से, वाह। तो दोस्तों यार बज गए शाम के 6:30, भैया ने तो 6 बजे बुलाया था, थोड़ा लेट हो गई थी काम के लिए, बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी और बारिश अभी अभी रुकी है जस्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना आप चले जाओ, मैं स्कूटी लेके, चलो अभी मम्मी और मैं पैदल पैदल जा रहे हैं स्कूटी लेने के लिए। और देखो आप ट्रैफिक देख रहे हो भाई, ट्रैफिक देखो आप। चलो चलो भाई, बहुत भीड़ हो रही है, अरे यार भाई बहुत भीड़ हो रही है भाई साहब, कसम से ट्रैफिक देख रहे हो, और शाम के टाइम तो वैसे भी बहुत लग जाता है। हो यहाँ से तो रोड पार करना भी बहुत मुश्किल है। ये देखो आप तो वहाँ की गाड़ी चलने लग गई है, लेकिन यहाँ की तो भाई रुक ही नहीं रही है, अब यहाँ की नहीं रुक रही तो जाएंगे कैसे यार। उसको रोड पार करना भी ना, रोड क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल हो गया भाई। ओहो लाइट भी चली गई तो। चलो मम्मी चलो आ जाओ, चलो नहीं तो भाई यहाँ पर खड़े हो जाएंगे ना, खड़े रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम, ये देखो पेड़ पूड़ तो ऐसे कटे हुए हैं उसके, आप आ जाओ आ जाओ। और भाई पहुँच गए हम अपने, तो दोस्तों यार पता क्या हो गया, पोपट हो गया यार कसम से, क्योंकि इन्होंने क्या करा, एक तो टाइम 6 बजे का बोला था लेकिन 6:30 हो चुके हैं, और इन्होंने ना अभी स्कूटी ना धो रखी और सर्विस किया, लेकिन अभी इन्होंने ना पॉलिश करना बाकी रह गया। तो भैया जैसे वहाँ उस गाड़ी में पॉलिश करें ना, इस गाड़ी की पॉलिश करेंगे, तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। भाई साहब भीड़ देखो, यहाँ भीड़ देख रहा भाई साहब, क्या भीड़ है, रात को तो खतरनाक ही ज़्यादा भीड़ हो गया यार। अब इसमें काम हो रहा है,
अच्छा, कितनी देर लगती है? कितने बजे तक खुली रहती है आपको? मैं तो 8 बजे तक बैठता हूँ। आप लोग कितने जाते हैं? हम तो बस जा ही रहे थे घर। जा रहे थे? आपने 6 बजे बोला ना, इसलिए मैं 6:30 बजे करीब आई। परेशान आ गई थी। हाँ, बारिश हो। सामान थोड़ा ही तो रह गया। I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting. Bhai ho gayi meri scooty, kam chalna ho, abhi polish lag rahi hai bas. To finally meri gaadi ho gayi ekdam chakachak. Ye dekho, aapko main dikha dun abhi, kyunki abhi shaam ka time hai, shaam ko bhi zyada dikhenge nahi log, to main aapko kal dikhaungi iska subah. Aur ye dekho ekdam chakachak ekdam. नहीं नहीं दूल्हन मुंगी, अब चलते सीधा घर यार। रात हो गई, शाम हो गई, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। मम्मी के फ़ोन भी आ गए कई बार कि अभी तो तेरी स्कूटी हुई नहीं, चलो चलते दोस्तों हैं। तो भाई स्कूटी हमारी रेडी और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो, वाह एकदम मस्त चल रही है भाई, बैटरी लगा। दोस्तों अब आ गए हम घर और अब करते हैं गाड़ी बंद, चलते हैं ऊपर कमरे में। तो चलो दोस्तों, और ये देखो ये फाइनली हो गई हमारी स्कूटी ठीक और हम आ गए हैं घर। तो आपको पता ही होगा सुबह मैंने मॉर्निंग में स्कूटी दी थी, काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पता नहीं यार अचानक ही मौसम ख़राब हो गया था क्योंकि धूप तो इतनी अच्छी आ रही थी और अचानक ही बारिश भी, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था, बारिश भी इतनी भयंकर आने लग गई थी। तो हम घर भी आ गए, अब बैठे हैं। अब मैं आगे ना आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी आपके लिए, और आपको ना उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है एक्सप्लोर करूँगी, अच्छी अच्छी जगह भी आपको। तो इसी का मेरे को बेनिफिट और हो गया कि स्कूटियाँ बहुत अच्छी चल रही है, तो अब मैं मतलब बिना डर के जा सकती हूँ कहीं भी। ये नहीं हो सकता हाँ मेरी स्कूटी में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं जा सकती, यहाँ पर भारी हो रही है, स्कूटी बहुत हैवी भी हो रही थी, उसको ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम होती, तो कई चीज़ें जाती हैं ना। और फिर अब मैं थोड़ा मोटर ब्लॉगिंग भी करूँगी आप लोगों को, वो भी दिखाऊँगी, पता है काफ़ी मज़ा आएगा आपको मेरे आगे आगे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों फिलहाल अभी क्या करते हैं, अब खाना वाना बनाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द एक बढ़िया लोकेशन में बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।